हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी रेलवे स्टाफ नर्स वैकेंसी 2024-25 का इंतज़ार कर रहे हैं 24-25 का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। गुड न्यूज़ यह है कि पैरामेडिकल स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है 10+2 पास, यानी कि यदि आप इंटरमीडिएट पास हैं, आपके पास संबंधित पोस्ट में डिप्लोमा डिग्री है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। वेतन की बात करें 45,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें वेतन मिलेगा और ये जो सभी वैकेंसीज़ है, यानी कि आपको यहाँ 22 प्रकार की वैकेंसीज़ पोस्ट मिल रही है, 22 प्रकार की वैकेंसीज़ मिल रही है। इसमें आपकी LT की वैकेंसीज है, स्टाफ नर्स वैकेंसीज़ है और फार्मासिस्ट की काफ़ी सारी वैकेंसीज़ है। ये 22 प्रकार की पोस्ट है, ये सभी पोस्ट आपकी परमानेंट वैकेंसीज़ है, रेगुलर बेसिस की वैकेंसीज़ है। लिखित परीक्षा से आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि आपको इसमें जो सिलेक्ट किया जा रहा है वो आपकी ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से सिलेक्ट किया जाएगा। कुल कितने पद हैं, उम्र सीमा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको इस रिक्रूटमेंट के लिए जो ऑफिशियल विज्ञापन जारी होता है गवर्नमेंट की ओर से वो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। भारत सरकार रेल मंत्रालय की ओर से ये नोटिफिकेशन रिलीज होता है। नोटिफिकेशन डेट आपको बताई गई है कि कहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज होता है। इसमें जो वैकेंसीज होती है ये ऑल स्टेट की वैकेंसीज होती है, ऑल स्टेट की वैकेंसीज होती है, यानी कि सभी राज्यों की वैकेंसीज को इंक्लूड किया जाता है। टोटल वैकेंसी सभी राज्यों की या जो जोन होते हैं आरआरबी के जो जोन होते हैं उन सभी को जोड़कर ये वैकेंसीज आपके लिए निकाली जाती है। लेकिन आपके सामने वैकेंसीज कितनी है वो रेलवे की ओर से आपको बताई गई है। और ये जो अभी रेलवे की ओर से रिक्रूटमेंट निकाला गया है, रेलवे स्टाफ रिक्रूटमेंट यानी पैरामेडिकल स्टाफ का रिक्रूटमेंट इसे बोल सकते हो, इसमें इतनी कम वैकेंसीज निकाली गई है कि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को तो यकीन भी नहीं हो रहा कि इतनी कम वैकेंसीज, वो भी रेलवे की ओर से। बात कर लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, कम वैकेंसी निकाले लेकिन रेलवे को तो इसमें पैरामेडिकल स्टाफ की कितनी आवश्यकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आप कितनी वैकेंसियों का इंतज़ार कर रहे थे, मैं तो मान के चल रहा था कि इस बार कम से कम 3 से लेकर 4,000 या 5 से लेकर 6,000 वैकेंसी निकालनी थी सरकार को, लेकिन वैकेंसीज कितनी निकाली गई है वो आपके सामने। सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट जो है निकाली गई है वो आपकी है इसमें स्टाफ नर्स की। स्टाफ नर्स की 6 नंबर पॉइंट पे है। मैं PDF का लिंक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास किस कैटेगरी में डिप्लोमा है, उससे संबंधित पोस्ट आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा पोस्ट है स्टाफ नर्स की, 678 वैकेंसीज है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट वैकेंसीज है इसमें सबसे ज़्यादा फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड की कितनी वैकेंसीज है, 246 वैकेंसीज। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रेलवे की ओर से कितनी कम वैकेंसीज निकाली गई है। और इसमें ये तो बताया गया है कि इसमें आपका CVT होगा, यानी कि जो आपका लिखित होगा वो ऑनलाइन होगा, तो ये अच्छा कदम है रेलवे की ओर से। लेकिन यहाँ इन वैकेंसियों को थोड़ा और बढ़ाया जाए, युवाओं की मांग है कि इस वैकेंसी को बढ़ाया जाए, तो आप कमेंट करके बताइए कि सरकार इस वैकेंसी को कितना बढ़ाए, 6,000 बढ़ाए, 7,000 बढ़ाए। ये नहीं है कि आप बोल दे कि 20,000 कर दो, ये तो होगा नहीं, लेकिन आपको अप्रोक्स इसमें आंकड़ा देना है। जैसे कि अभी ये 1,350 वैकेंसीज है, इनको कितना बढ़ाया जाए, इसको 2,000 किया जाए, 3,000 किया जाए, 4,000 किया जाए या 5,000 किया जाए, आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज की ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, जल्द ही इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, ऑनलाइन आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी, या हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना जैसे ही इस रिगार्डिंग कोई लार्ज नोटिफिकेशन आएगा। अभी ये जो नोटिफिकेशन निकल रहा है ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ये केवल शॉर्ट नोटिफिकेशन रेलवे की ओर से जारी हुआ था 19 तारीख को, और सॉरी यहाँ 10 है या 19 तारीख है, ये तारीख आपको दिखाई दे रही है, इस तारीख को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, लार्ज नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा इस रिक्रूटमेंट के लिए तो हमारे चैनल पे आपको बता दिया जाएगा कि कितनी वैकेंसीज को बढ़ाया गया है, क्योंकि वैकेंसी को तो बढ़ाना चाहिए सरकार को, क्योंकि रेलवे में काफ़ी सारे पद खाली पड़े हैं और युवाओं को उम्मीद भी थी कि रेलवे में तो कोई बड़ी वैकेंसीज आएगी, तो फिलहाल युवाओं के लिए ये एक बुरी खबर नज़र आ रही है क्योंकि इसमें कम वैकेंसीज है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कितनी वैकेंसीज की सरकार से उम्मीद थी।